everyone, it's me Kia again, and for today's video I have for you like another swatch and review video of a new brand. और again new से मेरा मतलब वही है कि इस brand को हमने पहले अपने channel पे कभी नहीं देखा है, but brand as such नया नहीं है क्योंकि there is a long time जब से मैं ये brand देखती आ रही हूँ मेरी feed पे, मतलब जो sponsored post होती हैं, ads होते हैं ना उनमें. तो क्या है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो किया था माय टॉप मैट पॉलिशेस, राइट. और उस वीडियो को करने के बाद ना मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इतनी मैट पॉलिशेस नहीं हैं. तो मैंने तुम लोगों से भी पूछा था कि मुझे सजेस्ट करो कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं इंडिया में जिनकी मैट पॉलिशेस बहुत अच्छी हैं, और आई थिंक मम्मी ने मुझे काफ़ी सीरियसली ले लिया एंड शी गॉट टू वर्क एंड शी वॉज लाइक जस्ट गोइंग थ्रू हर फीड ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट एंड देन शी केम अक्रॉस दिस ब्रांड कॉल्ड वोलो, यस वी ओ एल ओ. और उनके पास ना बहुत सुंदर सुंदर सी मैट पॉलिशेस थी, कलर्स थे, इनफैक्ट अच्छे खासे बंडल्स में आते हैं लाइक बंडल ऑफ 6, बंडल ऑफ 10, बंडल ऑफ 12, और वो मुझे दिखा रही थी ये पॉलिशेस एंड शी सेड कि आई शुड गेट देम एंड गेस व्हाट, वी गॉट देम, राइट. सो मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा है पैक ऑफ 12 और आज इन्हीं के स्वाचेस हम देखने वाले हैं, इन्हीं का रिव्यू आज हम देखने वाले हैं. तो एक काम करो, सबसे पहले जाके देख लो क्या गॉर्जियस शेड्स मंगवाए हैं, कैसी मैट पॉलिशेज हैं, इनके स्वाचेस देख लो, और फिर हम बात करेंगे इनकी प्राइजिंग, अवेलेबिलिटी, माई थाट्स, माई रिव्यू, माई फेवरेट्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ. सो ऑन टू द स्वाचेस नाउ, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट शेड. ऑन पॉलिशेस के नाम नहीं है, सिर्फ नंबर्स हैं. तो दिस वन इज नंबर 12. नाउ इस शेड को मैं ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ कि इट्स अ रॉयल ब्लू कलर विथ हैवी ग्रीन अंडरटोन्स. तो ब्लूइश ग्रीन कलर है ऑन अ डार्कर साइड. नाउ फर्स्ट कोट लगाते ही मुझे समझ में आ गया था कि इसमें वो जेली वाली फील है, ट्रांसल्यूसेंसी है, इसलिए आई बिल्ड इट अप टू लाइक 3 कोट्स टू अचीव फुल ओपेसिटी, जो कि मुझे 3 कोट्स में मिल गई थी. नाउ फॉर्मूला बहुत अच्छा है, स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग है, ऑफकोर्स जेली है तो ओपेक नहीं है, बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फॉर्मूला एंड कलर. द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये बहुत चॉक बॉडी मैट ड्राई नहीं होती है, प्लस जब ये मैट ड्राई हो जाती हैं या जितनी भी मैट ड्राई होनी होती हैं हो जाती हैं, तो दे हैव लाइक अ ग्रेनी टेक्सचर टू देम जो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता. इट डजेंट बॉदर मी पर्सनली, बट कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर बाइंग दीज पॉलिशेस. नेक्स्ट अप आई हैव फॉर यू शेड नंबर 019. नाउ दिस इज अ परफेक्ट रॉयल ब्लू शेड. यू कैन सी इन द स्वाचेस की अगेन इसमें भी वो थोड़ी जेली वाली फील है, इसलिए आई वेंट अप टू 3 कोट्स टू अचीव फुल ओपेसिटी, जो मुझे मिल गई थी इस कलर के साथ भी. अगेन इसके फॉर्मूला से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, बहुत ही स्मूथ था, सेल्फ लेवलिंग था, अगेन जेली वाली फील है तो क्रीमी और ओपेक नहीं कह सकती, बट इट्स अ ब्यूटिफुल कलर विद अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला. अगेन इस शेड को लगा के मैंने काफ़ी टाइम रखा जस्ट टू सी ये कितना मैट ड्राई होता है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी मैट ड्राई नहीं हुआ, एक प्लास्टिक की फिनिश के साथ ड्राई होकर रह गया. अगेन इसमें वो ग्रेनी टेक्सचर था. मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे इसे ग्लॉसी बनाना है तो आई कैन लाइक फिनिश इट ऑफ विद अ ग्लॉसी टॉप कोट, और अगर कंप्लीट मैट चाहिए तो मैं एक मैट टॉप कोट लगा सकती हूँ, क्योंकि टॉप कोट तो मैं वैसे भी लगाऊंगी ही हर पॉलिश के ऊपर. सो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दीज पॉलिशेज ड्राइंग विद अ प्लास्टिक फिनिश, बट या यू हैव टू कीप इन माइंड कि दीज आर नॉट मैट मैट पॉलिशेज. The third shade I have is 020 and it's like a medium grey polish with like cooler undertones, जो कि इस मानसून सीजन के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट कलर है. नाउ दिस वन, इसमें वो जेली वाली फील नहीं है, तो यू कैन सी कि फर्स्ट कोट में अच्छी खासी ओपासिटी मिल चुकी है और सेकेंड कोट कवर्स इट ऑल अप. तो इस फॉर्मूले के लिए मैं कह सकती हूँ कि स्मूथ तो है, सेल्फ लेवलिंग भी है, क्रीमी भी है और काफ़ी हद तक ओपेक भी है. अगेन ये भी प्लास्टिक की फिनिश के साथ ही ड्राई होता है विद दैट ग्रेनी टेक्सचर इन इट. आई डोंट नो इट वॉज लाइक इंटेंशनल अनइंटेंशनल, बट वो चीज़ कॉमन है थ्रू आउट द कलेक्शन. फोर्थ कलर इज 025 एंड इट्स अ डीपर रेड कलर. नाउ इसको मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ा सा जेली फॉर्मूले के साथ निकलेगा, बट मुझे ऐसा लगता है 2 कोट से मुझे अच्छी खासी ओपेसिटी मिल गई इस कलर से. आई एम नॉट टू मैड अबाउट इट. अगेन वही बात है कि प्लास्टिक की फिनिश के साथ ड्राई होता है, इट्स नॉट अ मैड फिनिश विद दैट ग्रेनी टेक्सचर, सो यू हैव टू कीप इन माइंड, बट इट्स अ गॉर्जियस गॉर्जियस रेड. आई एम लाइक प्लानिंग टू अप्लाई लाइक एन एक्चुअल मैट टॉप कोट टू सी कि ये कितना मैट हो और कितनी अच्छी फिनिश देगा अगर मैं इसे कंप्लीट मैट कर दूंगी तो. सो या आई एम गोना डू दैट एक्सपेरिमेंट एंड मे बी लेट यू नो ऑन माय यूट्यूब शॉर्ट्स और समथिंग. नेक्स्ट अप आई हैव फॉर यू 028.
नाउ ये एक न्यूड कलर है और उसको मैं ऐसे ही डिस्क्राइब कर सकती हूँ, इफ़ यू सी लाइक मेकअप में जो बेस मेकअप होता है उसमें जो पीच कलर का कलर करेक्टर होता है ये बिल्कुल वही शेड है एक नेल पॉलिश बॉटल में, एक नेल पॉलिश फॉर्मूले में। आई एम नॉट रियली अ फैन ऑफ दीज सॉर्ट ऑफ शेड्स क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्किन टोन पे काफ़ी आर्टिफिशियल लगते हैं, बट फेयर स्किन टोन पे दिस कैन बी अ परफेक्ट बेस फॉर अ क्लासिक फ्रेंच टिप मैनिक्योर। नाउ इसका फॉर्मूला भी काफ़ी ओपेक है, तो काफ़ी स्मूथ है, क्रीमी है, सेल्फ लेवलिंग और ओपेक है, दो कोट्स में अच्छी खासी ओपेसिटी मिल जाती है विच आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस कलर। अगेन प्लास्टिक की फिनिश के साथ ड्राई होता है, ग्रेनी टेक्चर है, बट अगेन यू कैन अप्लाई लाइक अ मैट टॉप कोट टू सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स विद अ कंप्लीट मैट फिनिश। नेक्स्ट अप इज 029 एंड इट्स अ वैम्पी मरूनिश ब्राउनिश शेड एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कलर। अगेन इसकी भी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी जेली फिनिश के साथ है, एज यू कैन सी थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंसी है। मैं यहाँ दो कोट्स लगा के ही दिखा रही हूँ, तीसरे कोट पे मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि सफिशियंट कलर मुझे मिल गया है जो बॉटल में है, बट यू कैन टोटली गो अप टू द थर्ड कोट। फॉर्मूला जो है वो काफ़ी स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग है, क्रीमी ओपेक नहीं है क्योंकि जेली वाली फील है इस पॉलिश में। अगेन सेम थिंग, प्लास्टिक की फिनिश के साथ ड्राई होता है और ग्रेनी टेक्स्चर इसमें भी बना रहा है। नेक्स्ट अप आई हैव फॉर यू नंबर 34 एंड दिस इज़ अ कम्प्लीट सरप्राइज बिकॉज ये एक मेटालिक मैट कलर था इन अ गॉर्जियस पर्पल शेड विच सिल्वर शीन रनिंग थ्रू आउट इट। फर्स्ट कोट में ही देख सकते हो कि कितना खूबसूरत पर्पल कलर है। अगेन दो कोट्स में फुल ओपेसिटी मिल जाती है, बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है। बस एक ही चीज़ बोलूँगी इस कलर के लिए क्योंकि थोड़ा सा मेटालिक साइड पे है तो ब्रश स्ट्रोक्स का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है ड्राई होने के साथ साथ वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड एंड यू नो आई लव सच मेटालिक शेड्स विच ड्राई मैट, और ये वाला काफ़ी हद तक मैट ड्राई हो जाता है बट इसमें भी वो ग्रेनी टेक्स्चर जरूर मिलेगा। वी हैव अनदर रेड इन द कलेक्शन, दिस वन इज नंबर 36। ये पिछले वाले रेड कलर से थोड़ा सा लाइटर साइड पे है एंड अगेन सेम फॉर्मूला है, काफ़ी स्मूथ है, क्रीमी है। यहाँ पे मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, मुझे लगता है अच्छी खासी ओपेसिटी भी मुझे मिल गई है यहाँ पे दो कोट्स में। थोड़ा सा जेली वाला फील है बट इतना नहीं है कि तीन चार कोट्स तक जाना पड़े। अगेन वेलवेटी फिनिश लिखा हुआ है बट वही प्लास्टिक की फिनिश के साथ ड्राई होता है, थोड़ा सा ग्रेनी टेक्स्चर है, बट अगेन एज आई सेड कि टॉप कोट स्विच करके आप इसे ग्लॉसी बना सकते हो और कंप्लीट मैट भी बना सकते हो, तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आई एम जस्ट रियली हैप्पी विद द फॉर्मूला ऑफ दीज पॉलिशेस। अनदर शेड इज नंबर 37 और ये एक थोड़ा सा लाइट ब्राउनिश क्यूट शेड है विच लुक्स गॉर्जियस। ओ माई गॉड, दिस इज़ अ परफेक्ट फॉल शेड, दो कोट्स में अच्छी ओपेसिटी है, काफ़ी स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला है। इनफैक्ट अगर इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ किया जाए तो इसको वन क्वार्टर पॉलिश भी मैं कह सकती हूँ। यहाँ मैं दो कोट्स ही लगा के दिखा रही हूँ स्वाचेज में। आई रियली रियली लव द कलर, वो जो थोड़ा सा हे का कलर होता है ना, भूसे का कलर होता है, ये बिल्कुल वैसा ही है और मुझे लगता है कि फॉल टाइम पे ये बहुत ही सुंदर लगेगा विथ सम ब्लैक नेल आर्ट और जस्ट ऑन इट्स ओन। अगेन ये भी थोड़ा प्लास्टिक की फिनिश के साथ ड्राई होता है बट इस पर्टिकुलर शेड को मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कंप्लीट मैट फिनिश में। सो दिस वन इज़ अनदर वन ऑन माई लिस्ट जिसके ऊपर मैं मैट टॉप कोट लगा के एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगी। अनदर ब्राउन शेड इज़ नंबर 38 और ये पिछले वाले से काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज ये थोड़ा सा ऑरेंजिश ब्राउन शेड है ऑन अ वार्मर साइड। नाउ इसका फॉर्मूला भी काफ़ी अच्छा है बट इसमें वो थोड़ी सी ट्रांसल्यूसेंसी है। यहाँ मैं दो कोट्स ही लगा के दिखा रही हूँ और मुझे लगता है डिसेंट ओपेसिटी मुझे मिल चुकी है, काफ़ी स्मूथ सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला भी है, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कैन टोटली गो अप टू थ्री कोट्स क्योंकि फॉर्मूला बहुत बल्की नहीं होगा नेल्स पे। अगेन इट ड्राइज लाइक विद अ प्लास्टिक की फिनिश और वो थोड़ा सा ग्रेनी टेक्स्चर इसमें भी है। एक्चुअली आफ्टर ऑल दिस व्हाइल आई एम कमिंग टू लव दैट ग्रेनी टेक्स्चर, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स व्हाट यू थिंक। द नेक्स्ट शेड वी हैव इज 044 एंड वी हैव अनदर रेड इन द कलेक्शन, बट ये बाकी दोनों रेड से काफ़ी डिफरेंट है। दिस वन हैज़ लाइक मोर ऑफ ऑरेंजिश अंडरटोन्स। यहाँ मुझे तीन कोट्स तक बिल्डअप करना पड़ा क्योंकि इसमें काफ़ी जेली वाली फील है तो ट्रांसल्यूसेंसी काफ़ी थी, तो ओपेकनेस के लिए आई वेंट अप टू थ्री कोट्स। बट एज आई सेड कि इनका फॉर्मूला बहुत ही लाइट है, सेल्फ लेवलिंग है, तो बल्कि नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी।
एंड यस व्हाट एल्स आई कैन सी, ये भी प्लास्टिक की फिनिश के साथ ही ड्राई होता है, वो ग्रेनी टेक्सचर इसमें भी है. बट या इट्स अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला एंड आई एम ग्लैड लाइक एक ही कलेक्शन में आई हैव क्वाइट अ फ्यू ऑप्शंस ऑफ रेड. लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी हैव नंबर 46 एंड अगैन अ वैम्पी शेड. दिस इज अ मरूनिश शेड विथ हैवी पर्पलिश अंडरटोन्स. इससे पहला वाला जो वैम्पी शेड था उसमें ब्राउनिश अंडरटोन्स थे, इसमें पर्पलिश अंडरटोन्स है, तो कलर्स काफ़ी डिफरेंट हैं. एंड अगैन इट्स अ ब्यूटिफुल डार्क पर्पल मरूनिश शेड एंड यू कैन सी इन दिस वॉचेज मैंने दो कोट्स लगाए हैं एंड इट गिव्स अ ब्यूटिफुल ओपेसिटी, ब्यूटिफुल कलर पे ऑफ. अगैन फॉर्मूला बहुत ही स्मूथ है, सेल्फ लेवलिंग है, थोड़ी सी जेली वाली फील है, तो क्रीमी और ओपेक नहीं कहूँगी, बट अगैन फॉर्मूला बल्कि नहीं. इफ़ यू वॉन्ट टू गो अप टू 3 coats यू कैन. अगैन ये भी प्लास्टिक की फिनिश के साथ ही ड्राई होता है विद दैट ग्रेनी टेक्सचर. एंड इस वीडियो के इंट्रो आउट्रो में मैंने यही कलर अपने नेल्स पे लगाया हुआ है एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग. सो यस पीपल, दीज वर द स्वाचेस. अब थोड़े बहुत कुछ कंपेरिजन्स मैं दिखा रही हूँ जो कि मेरे पुरानी मैट पॉलिशेस के साथ है, सो यू कैन सी कि मैट फिनिश में भी क्या कंपैरिजन है और कलर्स में भी क्या. सो हियर ऑन टू सम कंपैरिजंस. द फर्स्ट कंपैरिजन आई हैव फॉर यू इज बिटवीन टू मेटालिक शेड्स बिकॉज यू नो आई लव मेटालिक मैट्स. सो फ्रॉम द वोलो वेलवेट मैट रेंज आई हैव नंबर 34 विच इज लाइक अ पर्पल मेटालिक मैट पॉलिश एंड ऑन द राइट साइड आई हैव वन फ्रॉम जूस कॉस्मेटिक्स नंबर M14 विच यू नो आई एब्सोल्युटली लव. इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लू मेटालिक मैट पॉलिश एंड यू कैन सी कि दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है. एक तरफ जो ब्लू पॉलिश है वो डायमंड्स की तरह लगती है और ये वाली जो है वो प्रॉपर मेटालिक है, बट कहीं ना कहीं दोनों की फिनिश ऑलमोस्ट एक जैसी है. वोलो वाली थोड़ी कम मैट ड्राई होती है, जूस वाली बिल्कुल मैट ड्राई होती है. आई एम जस्ट शोइंग यू द कंपैरिजन कि मेरे पास दो मेटालिक मैट्स हैं और दोनों ही कितनी डिफरेंट येट सेम दिख सकती हैं. नेक्स्ट अप आई हैव कंपैरिजन बिटवीन द ब्राउनिश न्यूडिश शेड्स दैट आई हैड इन द कलेक्शन. सो द फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट इज नंबर 38 फ्रॉम वोलो, द सेकेंड वन इज नंबर 37 फ्रॉम वोलो एंड ऑन द राइट साइड आई हैव टू फ्रॉम स्पेक्टा. द थर्ड पॉलिश इज स्ट्रीट स्मार्ट एंड द लास्ट पॉलिश इज बटरफ्लाई. नाउ सारी ही मीडियम या लाइट ब्राउनिश न्यूड पॉलिशेज हैं, बट स्टिल यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है कलर्स में. एंड वेन इट कम्स टू द मैट फिनिश उसमें भी कितना डिफरेंस है. स्पेक्टा वाली जो है वो ज्यादा मैट ड्राई होती है एज कंपेयर टू द वोलो वंस. ऑलराइट, सो स्वाचेस भी हो गए, कंपैरिजंस भी हो गए, अब पॉलिशेस की बात कर लेते हैं. तो मैंने ये जो पैक ऑफ 12 पॉलिशेस है ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करी थी, मैं लिंक ऑफ कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. नाउ दिस पैक ऑफ 12 पॉलिशेस वेयर ईच पॉलिश इज लाइक 8 ml, इट रिटेल्स फॉर 438 rupees. आई होप क्लियर हो गया होगा क्योंकि ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस है. नाउ आई डोंट नो ये डिस्काउंट हमेशा रहता है या अभी था जब मैंने खरीदा, बट हाँ 438 में मुझे 12 पॉलिशेज मिली है जिसमें से हर एक पॉलिश 8 ml की थी. राइट, मूविंग ऑन टू द ब्रशेज. तो ब्रशेज की बात करूँ तो ब्लैक ब्रिसल्स वाले ब्रशेज हैं, व्हाइट फ्लैट ब्रश विद अ स्ट्रेट कट. अगैन स्ट्रेट कट का रिजल्ट तुमने स्वाचेस में देखा, थोड़े बहुत स्लॉपी थे, मेरे क्यूटिकल्स फ्लड हो गए थे, बट दैट्स ओके, आई कैन ऑलवेज क्लीन दैट अप. तो ब्रशेज से मुझे ऐसी ज्यादा कोई शिकायत नहीं है, बहुत डेंस ब्रशेज नहीं है, सो लगाने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती है. All right, talking about the quality of these polishes. So, मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ कहने को है. मैक्सिमम चीज़ें ना मैंने तुम्हें स्वाचेस के टाइम पे ही बता दी, बट कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट वाइज यहाँ कंक्लूड कर देती हूँ, तो तुम लोग अपना माइंड बना सकते हो वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर दीज पॉलिशेज और नॉट. सबसे पहले ड्राइंग टाइम की बात करूँ तो बहुत ही क्विकली ड्राई होती है पॉलिशेज, गिवन की ये वेलवेट मैट फिनिश है या मैट फिनिश है, तो ड्राइंग टाइम बहुत ही अच्छा है इन पॉलिशेज का. The things that you have to keep in mind while buying these polishes is firstly कि ये मैट पॉलिशेज नहीं है. मैंने जैसा कि स्वाचेज में बताया ये प्लास्टिक फिनिश के साथ ड्राई होती हैं, ग्लॉसी मैट कह सकते हो ना, ये वेलवेट मैट है ना सेमी मैट है ना ये मैट पॉलिशेज है, तो वो चीज़ अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना कि यू आर बाइंग मैट पॉलिशेज. राइट, और सेकेंडली ये थोड़ी सी ग्रिटी सी इनका टेक्स्चर है, आई डोंट नो वो इंटेंशनल था अनइंटेंशनल था या जो भी हो, बट थोड़ी सी ग्रिटीनेस है, ये बहुत स्मूथ फिनिश नहीं देती है. तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको सोचनी पड़ेंगी इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बाई दीज पॉलिशेज और नॉट. जो प्रोज मुझे लगे वो ये थे कि प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है, लाइक यू आर गेटिंग 12 कलर्स फॉर 438 rupees. एंड सेकेंडली मुझे इनकी फॉर्मूला क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 2 quarters होंगी या कुछ
एक तो वन क्वार्टर सूंगी, सो उस हिसाब से फॉर्मूला बहुत अच्छा है। अगर मैं फिनिश एक साइड रख दूं, इन्हें एज अ ग्लॉसी पॉलिशेज ही ट्रीट करूं, तो मुझे फॉर्मूला बहुत पसंद आया एंड आई एम रियली रियली गोना यूज दिस पॉलिशेज फॉर माई नेल आर्ट। तो अगर तुम्हें मैट फिनिश होने ना होने से इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी फॉल्स मार्केटिंग मैं कहूंगी है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पॉलिशेज। मेरी तरफ से इनको डबल थम्स अप है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट्स के बारे में। तो मेरे दो फेवरेट्स हैं इनमें से, सैडली इनके कोई नाम नहीं है तो मैं नंबर ही बताऊंगी। द फर्स्ट वन विच इज 12 नंबर का जो पॉलिश है ना, ये थोड़ी सी लाइक ब्लूइश ग्रीन पॉलिश है और मुझे ऐसा लगता है ये विंटर्स में बहुत ही अच्छी लगेगी। दिस इज द फर्स्ट शेड आई ट्राइड एंड आई वॉज इम्प्रेस्ड। दो प्लास्टिक की फिनिश थी, बहुत अच्छी मैट फिनिश नहीं थी, बट ये कलर मुझे बहुत सुंदर लगा। सो दिस इज माई फर्स्ट फेवरेट। सेकेंड फेवरेट की बात करूं तो आई रियली लव दिस न्यूडिश ब्राउन शेड विच इज़ नंबर 37। नाउ ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट वन क्वार्टर था, इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ये फॉल सीजन के लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम जस्ट इमेजिनिंग पेयरिंग दिस अप विद दैट ब्लैक स्पेकल्ड टॉपर जो मुझे बहुत पसंद है एंड दैट विल बी अ लुक, स्पेशली इसकी प्लास्टिक फिनिश के साथ, राइट? सो दिस इज माई सेकेंड फेवरेट। एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ टूडे स्वॉच एंड रिव्यू वीडियो ऑफ वेलवेट मैट पॉलिशेस फ्रॉम वोलो। अच्छा, तो वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है इन पॉलिशेस के बारे में, मुझे लगता नहीं मैंने कुछ भी मिस आउट किया, बट स्टिल इफ यू हैव समथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट दीज पॉलिशेस, मेंशन देम इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और मुझे ये भी बताना क्या तुमने कभी ये वोलो की पॉलिशेस को ट्राई किया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या था, और आज जो मैंने 12 शेड्स दिखाए उनमें से तुम्हारा फेवरेट कौन सा था, वो सब कुछ मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस। प्लस या इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू विद दीज न्यू ब्रांड के स्वॉच एंड रिव्यूज, देन इस वीडियो को देना एक बड़ा सा थम्स अप, करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम आगे के स्वॉच and reviews miss na kar do। And as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you on my next one. Bye bye.